भूल गए शायद। थैंक यू। इस डायरी में तो मेरी सारी शायरी है। ओह खुदाया, ये डायरी अगर वो भला शख्स वापस ना करता तो मेरा तो सारा कलाम ही जाया हो जाता। थैंक गॉड। ओह नो, याद आया, मैंने तो उसका शुक्रिया भी नहीं अदा किया। आरिफ साहब, आप यहाँ? हाँ, ये गुजरा था यहाँ से, मुजाहिरा देख के रुका हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस मुजाहिरे का नतीजा क्या निकलेगा? क्या कह सकता हूँ, अवाम की बेबसी है और इंतजामिया की बेहसी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मुजाहिरा कामयाब होगा? ये पानी से तरसे हुए लोग जो बाहर निकल आके मुजाहिरा कर रहे हैं, जरूर इसका कोई नतीजा निकलेगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये तो वही बंदा है जिसने मेरी डायरी वापस लाकर दी थी। मुजाहिरीन में ख़वातीन, बच्चे और मर्द सब शामिल हैं। ये क्या हुआ बच्चों को? कुछ नहीं हुआ, बस मरने के मुंतजर हैं। मगर जू नहीं रहेंगे इनके कानों पर। हुआ क्या है? नहीं होना क्या है, एक तो कई रोज से पानी नहीं आया और जो आया वो भी गंदा और बदबूदार। बच्चे वो पानी पी के बीमार नहीं हुए तो क्या होंगे? देखिए, यहाँ और लोग भी एहतजाज करें, आप इन बच्चों को फौरी हॉस्पिटल लेके जाएं, ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये बच जाएंगे तो क्या होगा और दूसरे बीमार हो जाएंगे। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस वाकये की पूरी तफ्तीश करूंगा, लेकिन प्लीज इन बच्चों को हॉस्पिटल तो लेके जाएं। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, हम यहाँ से अपनी बात मनवाए बगैर नहीं हटेंगे। हेलो, एम्बुलेंस जी, एक एम्बुलेंस चाहिए जी, जल्दी भेजिएगा। अच्छा, तो इसका नाम है आरिफ और ये जर्नलिस्ट है। कभी पानी नहीं है, कभी गैस बंद, कभी बिजली बंद। अरे लोग एहतजाज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और इस तरह से जब कोई सड़कों पर निकल आया अपना हक मांगने के लिए तो फिर डंडे बरसाते। देखो कितनी बेदर्दी से मारे ये पुलिस वाले बच्चों और औरतों को, देख रही हैं आप? इन बेचारों का क्या कसूर, ये तो हुक्म के गुलाम है। वो जो बैठे हुए हैं ना, जिनके दिलों पर और दिमागों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं, वो इनको कहते हैं कि डरा के रखो लोगों को। अम्मा, ये वही रिपोर्टर है जिसने मेरी डायरी वापस की थी जो मैं स्टोर पे भुलाई थी। हाँ, अब देखो ना, इस तरह के बहादुर और ईमानदार लोग तो बहुत ही कम रह गए हमारे मुल्क में।
कहते, मैं तो तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आई थी। हुँ? वो मेरी दोस्त है ना राबिया, उसका बेटा आया हुआ है लंदन से, वो तुमसे मिलना चाह रहे थे। कहो तो बुला लूं खाने पर। हुँ? क्या पता तुम्हारी किस्मत में लंदन रहना हो। अम्मा प्लीज, मुझे लंदन वंदन जाने का कोई शौक नहीं, मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहा। हटो ना, तुमसे तो कोई सीरियस बात ही नहीं कर सकता, हर चीज को हवा में उड़ा देती हो। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, लंदन के अलावा। हाँ अरे तुम्हारे घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ये सर पे पट्टी कैसी है तुम्हारी? न्यूज़कास्टर बनने का ख्वाब है और हालात से बिल्कुल बेखबर हूं, बहुत अफसोस की बात। अब मैं 24 घंटे तो टीवी के सामने बैठी नहीं रहती। पता क्या हुआ है, ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? अरे यार, पुलिस पानी से तरसे हुए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज कर रही। मैंने कुछ बच्चों और औरतों को बचाने की कोशिश की तो मुझे भी लग गई। तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है हीरो बनने की कोशिश मत किया करो, और तुम उस डेमोंस्ट्रेशन में कर क्या रहे थे? मैं तो बाय चांस वहां से गुजर रहा था, देखा कि मुजाहिरीन है, सड़क बंद हुई हुई है, तो उतर के देख लिया मैंने। और हीरो बन के एंट्री दी, पुलिस से पंगा लिया और लाठियां खाई। उफ, पता नहीं कितनी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें, मुझे तो देख कर महसूस हो रही है। अरे मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तकलीफ तो मुझे वो तीन डिहाइड्रेटेड बच्चों को देख के हो रही थी, जिनके माँ बाप उनको मुजाहरे में लेके आए मिले। इतनी बुरी हालत थी ना उन तीनों की, क्या बताओ। सोचो यार, कितने दिनों से उन लोगों के इलाके में पानी नहीं है। अच्छा तुम सोच सोच के स्ट्रेस मत लो, आई एम श्योर तुमने लंच तो किया नहीं होगा। मैंने भी नहीं किया, फ्रूट भी लाई थी मैं। अच्छा थैंक्स। वैसे इस पानी के इशू ने तो मेरा सारा फोकस ही चेंज करके रख दिया है। मैं तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन केसेस के पीछे लगा हुआ था। पानी वाले इशू पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं तो हैरान हूं, क्या यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन बद इंतजामी की वजह से लोगों को पानी मिल नहीं रहा। शायद जानबूझ के पानी की मिसमैनेजमेंट की जा रही है, लोगों को पानी से तरसाया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है इस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन है? अभी मैं ठीक से कह नहीं सकता, रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में, और हाँ सोच लिया है कि अब इस बात की तह तक पहुंचूंगा। वो बच्चे की शक्लें मेरे जहन से नहीं जा रही। मैं जानती हूँ आरिफ कि तुम्हारी सोच थोड़ी रेडिकल है, लेकिन जानबूझ के अपने आप को खतरे में मत डालो। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ और हर नाइंसाफी के। मुझे लगता है तुम्हें किसी न्यूज चैनल में जॉब कर लेनी चाहिए, एज एन एंकर बहुत कामयाब रहोगे, लाखों रुपए भी कमाओगे और सेफ भी रहोगे। और फिर फरिश्ते मुझे ब्रेकिंग न्यूज देते रहेंगे और पॉलिटिशियंस मुझे नजराने भेजते। अरे तुम भी ना। अरे मैं तो एक बात ही बताना भूल गई। अब देखो, मैं जैसे ही अमेरिका से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कंप्लीट करके आई हूँ, वैसे ही मुझे एक न्यूज चैनल ने एक टॉक शो होस्ट करने के लिए बुला लिया। अभी मीटिंग करके आ रही हूँ मैं, और ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने तुम्हें सबसे पहले दी है। ओह वेरी गुड, यानी इस खाने को तुम्हारी तरफ से ट्रीट समझो। गुड। वैसे तुम कोई कुकिंग शो भी होस्ट कर सकते हो, जुबैदा आपा और राहत आपा की तरह सुमेरा आपा। खबरदार जो तुमने मुझे आपा कहा, और थैंक यू तुमने मेरे खाने को अच्छा कहा। खाना तो अच्छा बनाती हो।
वाह वाह वाह, क्या बात। नवीन नवीन, अरे अम्मा कोई काम है मुझे बता देती मैं आ जाती। यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद में तुम बीए क्या कंप्यूटर शायरी किताबों में पढ़ गई हो? बेटा किचन में भी झांक लिया करो, दो चार अच्छी डिशे बनाना सीख लो। अम्मा आप जैसा जायका मेरे हाथ में कभी नहीं आ सकता। बेटा फिर भी लड़कियों को खाना पकाना तो आना चाहिए ना। अम्मा लड़कियों को और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, दुनिया बड़ी तेज जा रही है। मैं भी तो सुनूं, और क्या क्या सीखना चाहिए? मसलन नौकरी कैसे करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है, अपने जूनियर से और सीनियर से कैसे पेश आना चाहिए वगैरह वगैरह। क्या मतलब? माई डियर माँ, मुझे अब्बू से जॉब की इजाजत मिल गई है, मुझे एक पब्लिशिंग हाउस से ऑफर आई है और मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। ये एक तो तुम और तुम्हारे अब्बा, मुझे इस बात की हवा तक नहीं लगने दी। शादी टालने का ये एक नया बहाना है। ए बेटा नसीम के बेटे फरहान से मिल तो लो एक दफा। अम्मा प्रॉमिस, मैं आपके भांजे की बहुत अच्छी जगह शादी कराऊंगी, मान जाएगा। अच्छा ये मैडम का गाना तो सुने। अरे हटाओ। पानी की किल्लत शहर के बहुत सारे इलाकों को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रही। सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें पानी मिल क्यों नहीं रहा, पानी आखिर है कहां? अरे अम्मी की इतनी मिस्ड कॉल्स, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, लगता मोबाइल साइलेंट है। अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, काफी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं, डॉक्टर को दिखाया? परेशानी की कोई बात नहीं अम्मी, मामूली सा जख्म है। वैसे आपको किसने बताया? बेटा तुम्हें तो बचपन से ही आदत है अपना जख्म छुपाने की, सुमेरा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। तुम्हें तो पता है ना बेटा, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखती, मेरा बीपी हाई हो जाता है। अरे ये सुमेरा की बच्ची भी ना, परेशान करके रख दिया होगा आपको। मेरा यकीन करें मैं ठीक हूँ अम्मी। बस बेटा मैं कराची आ रही हूँ, तुम्हें देखे बगैर मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा। तुम बहुत लापरवाह हो गए हो बेटा, बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। अरे वो है ना आपकी फेवरेट भांजी सुमेरा, कल उसने बहुत ख्याल रखा मेरा, डिनर भी बनाया था मेरे लिए। तो क्या ख्याल है बेटा, तुम्हारा मुस्तकिल ख्याल रखने के लिए उसे अपनी बहू बना के ले आऊं? नहीं अम्मी, वो मेरी कजन है और बहुत अच्छी दोस्त, लेकिन शादी। क्यों, क्या कमी है उसमें? मैं आपको कैसे बताऊं, बस वो मेरे टाइप की नहीं है। बस कर दो, कितनी वॉक करती हो तुम, पहले ही बहुत स्मार्ट हो। बिलीव मी अगर तुम एयर होस्टेस होती ना तो तुम्हारी ड्यूटी तमाम वीआईपी शख्सियत के साथ लगती, और ये जितने भी ब्यूरोक्रेट अंकल्स पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन हैं ना, इन सबको बार बार प्यास लगती और तुम उन्हें पानी पिलाते पिलाते बोर हो जाती। बस कर जाओ, नहीं बनना मुझे एयर होस्टेस, और वैसे भी मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, बहुत माइल्स देखे हैं मैंने, क्योंकि मेरे फादर जो है वो फॉरेन सर्विस में होते थे। वैसे तुम्हारी लाइफ भी अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये जितने कैरेक्टर्स मुझे फ्लाइट्स पे मिलते हैं ना, अब तुम्हें तुम्हारे टॉक शो पे मिलने वाले हैं। आई स्वेयर एक से एक बढ़कर अदाकार है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, और कुछ बाबे तो ऐसे हैं ऊपर शेरवानी तो अंदर परेशानी, और कुछ ऐसे जाहिल सेठ आते हैं ना जो थ्री पीस सूट पहन लेते हैं तो उन्हें देखकर तो सिर्फ एक ही गाना याद आता है, साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया। वैसे तुम भी मिमिक करती हुई एक्ट्रेसेस से कम नहीं, आई प्रॉमिस यू अगर तुम टीवी पे आ गई ना तो बुशरा अंसारी और हिना दिलपजीर की तो छुट्टी हो जाएगी। वैसे मेरी झूठी मुस्कुराहट हो या तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज, दोनों एंटरटेनमेंट ही तो है। वेल सेड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे उस अकड़ू कजन के क्या हाल है? कुछ खवातीन को बचाते हुए जख्मी हो गया बेचारा। वैसे है पूरा हीरो मटेरियल, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने कन्फेशन करने में देर कर दी ना तो तुम्हारे लिए बचेगा नहीं वो, जल्दी से बना लो उससे कोई खूबसूरत सा रिश्ता।
अभी तक तो बस कजन ही है। कजन को सजन बनने में कितनी देर लगती है? एओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। कजन सजन। यार वैसे वाकई कॉलेज के बाद तो हमारा सारा ग्रुप टूट गया। हाँ यार, कुछ की शादी हो गई, अब बस तुम और मैं ही रह गए हैं। मैडम आप कहाँ से रह गई, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली। वैसे सुना है लड़के वालों को तुम बड़ी पसंद आई और लड़का तुम्हें भी पसंद आ गया। हाँ यार, अगले महीने मंगनी है और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। सहरा दूल्हा बान, डोली तुम चढ़ो, क्रेडिट मेरा कैसे? भाई ये आइडिया तुमने ही तो अपनी अम्मी को दिया था कि वो नसीमा आंटी को मेरे घर लेकर आए। ऐसे एक बात बताओ तो मुझे कि तुमने इस रिश्ते से क्यों इनकार कर दिया? ना तो मुझे शादी का शौक है और ना ही लंदन जाने का, और वैसे भी कॉलेज वाले दिनों में याद नहीं है तुम्हें कितनी हसरत होती थी कि कोई फॉरेन रिटर्न लड़का मिल जाए तो बस बात बच जाए। तो लो, हो गई तुम्हारी हसरत पूरी। थैंक यू सो मच यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वैसे लड़का बहुत गुड लुकिंग है, मेरी तो लॉटरी निकल गई। मेरी जान इसे कहते हैं किस्मत, जो नसीब में हो उसी को मिलता है। वैसे तुम्हारी किस्मत में क्या है? नजूमी से पूछ के बताऊंगी। वैसे एक बात बताओ, हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है जो तुमने 3 प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए? क्या करूं यार, दिल है कि मानता नहीं। वैसे दिल ने आज तक किसी बंदे के लिए गवाही नहीं दी, जिस दिन गवाही दे देगा ना उस दिन मैं भी गई। अच्छा बताओ तैयारियां सब चल रही हैं? हाँ बस चल रही हैं तैयारियां। जोड़े कौन सा रंग का है? नाजरीन आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं और गुफ्तगू करते हैं मुल्क के मायनाज एमएनए असगर शाह साहब से। तो आइए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं जो जेल नहीं जाता वो कभी बड़ा सियासतदान नहीं बन सकता,
आप अपने सियासी करियर में एक बार भी जेल नहीं गए, इसे मैं एहतियात समझूं या इत्तफाक? देखिए, तहरीक पाकिस्तान के भी कई रहनुमा जेल नहीं गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों पर समझौता भी नहीं किया, उनकी नो कभी यस में तब्दील नहीं हुई, जबकि आपकी तो ये तीसरी पार्टी है और हर पार्टी का मैनिफेस्टो और अंदाज सियासत भी मुख्तलिफ है। देखें, हर दौर का एक नजरिया होता है और आज के दौर का नजरिया जरूरत है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है? क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है तो मैं मुसलसल 5 मरतबा MNA इलेक्ट ना होता। मेरे लोग हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे वोट देते हैं और यही मेरी कामयाबी है। थैंक यू। नाज़रीन, अब वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। डोंट गो एनीवेयर। सिकंदर, मीडिया के दोस्तों के लिए चाय का बंदोबस्त करें। नहीं नहीं, आप हमारी ज़हमत कर रहे हैं। नहीं जी, आप हमारे रिफाने पे आए, ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू। एक मिनट, मैं एक कॉल अटेंड कर दूँ। हेलो। हाँ आलिया, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती, मैं शाजी का इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं लाइव देख रही हूँ। काश तुम मुझे भी ले जाती अपने साथ, ऐसे ऐसे सवाल करती कि इसके होश उड़ जाते। 10 दफा फ्लाइट पर VIP सेक्शन में मेरी ड्यूटी लगी है इसके साथ, बहुत रंगीन मिजाज है। तो मैं इंटरव्यू में साथ ले लेके घूमूंगी ना तो मेरी नौकरी जाएगी और चैनल बंद हो जाएगा। मुझे साथ लेकर जाएगी तो तेरे चैनल की रेटिंग आसमान पे पहुंच जाएगी। इन बड़े लोगों के बड़े राज है मेरे पास। चल तू काम कर, घर पे बाद में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय। पानी का बहरान शिद्दत पकड़ता जा रहा है। सवाल यह है कि इस सिलसिले में हुकूमत और इंतजामिया क्या कर रही है? अवाम तक पानी की फराहमी किसकी जिम्मेदारी है? हमें यह भी देखना होगा कि पानी का मसला सूबाई मामला है या वफाक का मसला। कुछ लोग बड़े हैरत अंगेज होते हैं, उनकी जात किसी को भी अपने हिसार में दे सकती है। आरिफ साहब, आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि आप मेरे मोहसिन हैं और एहसान भी आपने मुझ पे वो किया है जिसका मेरी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ क्या है वो मैं अभी नहीं बता सकती। आपने जिस मौजू पर कलम उठाया बल्कि आवाज़ उठाई, वो बहुत बड़ा और अहम इशू है। प्यास के सहरा में आप एक बादल की तरह उभरे हैं। आपके लिए दुआ गो एक लड़की। आपकी ईमेल मिली है। मैं आपको नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि मैंने आप पर कब और कौन सा एहसान किया था। आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। मैं तो बस एक आम आदमी की आवाज़ उठाता जो ना इंसाफी के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। हद तो यह है कि बदनिजामी की वजह से उसे पानी जैसी नेमत से भी महरूम रखा जा रहा है। आपके फीडबैक का शुक्रिया। वैसे ये बात अब मेरे जहन में अटक गई है कि मैंने आप पर कौन सा एहसान किया। वाह मिस्टर जर्नलिस्ट, उलझ गए ना एहसान वाली बात पर। अब आप सोचते रहें कि हम कहां मिले थे और आपने मुझ पर क्या एहसान किया। बज़ाहिर तो आपकी शख्सियत खासी रोमानवी सी लगती है मगर आपके अंदर किसी जंगजू की रूह लगती है। आपको पढ़कर, सुनकर और टीवी पर देखकर मैं इतना समझी हूँ कि आप माशरे में फैले हुए अंधेरों को मिटाना चाहते हैं। मगर जनाब, अंधेरा बहुत ज्यादा है, इतना उजाला कहाँ से लाएंगे? अगर मैं आपके उजाले का हिस्सा बनना चाहूं तो क्या आप मुझे ये मकाम देंगे? जवाब की मुंतजर रहूंगी आपकी। खैर, मोहतरमा, घुप अंधेरे में एक दिया भी जल जाए तो वो रोशनी का पैगंबर बन जाता है। अभी आप मुझे पूरी तरह जानती नहीं, मैं इंसानी हकूक की ये जंग तन्हा भी लड़ सकता। रही बात आपके साथ चलने की तो ये मेरे लिए मुश्किल है। आप जहां भी हैं वहीं रहते हुए इस जंग में शरीक हो सकते, साथ चलना जरूरी है। हाँ, लेकिन ख्यालात का एक होना जरूरी है। अब वैसे ही ये और बात है कि मैं अभी तक आपका नाम तक नहीं जानता।
जी आरिफ साहब, मेरे बारे में तजस्सुस ही तो आपके जब्त का इम्तिहान है। वैसे आपको परखना समझना कुछ अच्छा सा लग रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि एक अच्छा इंसान हसदा चले यहाँ करके मुझे अपने आर्टिकल पे इतनी क्विक फीडबैक की तवक्को नहीं थी। सब लोगों के इतने कमेंट्स, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर पानी का मसला है क्या। इसका मतलब है कि मुझे इस इशू पे बहुत सारा काम करना होगा। लगता है तुम चीटिंग कर रही हो, मैं मुसलसल हार रही हूँ। मेरी जान, जिस तरह से जीत पर खुश हुआ जाता है ना, उसी तरह से अपनी हार को भी डिग्निटी से कबूल करना चाहिए। हमारे सियासतदानों की तरह ये ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। चलो बस बहुत खेल लिया, अब कुछ गपशप करते हैं। हाँ, तुम्हारी फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द डे, गिव मी अ ब्रेक। तुम न्यूज चैनल वालों से ज्यादा फसास कौन होगा? राई का पहाड़ बना देते हो। दैट्स द रूल ऑफ द गेम माय डियर, और किस तरह से किया जाता। सुनो, तुम जीशान शाह का इंटरव्यू क्यों नहीं करती? बड़ा डैशिंग बंदा है, फ्यूडरल लॉर्ड है, शिकारी भी है, और मैंने सुना है कि सियासी जमातों और खास तौर पर लड़कियों के यतीम खानों को दिल खोल कर डोनेशन देता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शिकार किसका करता है? मैंने सुना है कि शेर हो या औरत, किसी को नहीं छोड़ता। सुनी सुनाई बातों पे तो यकीन करती नहीं मैं, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? मैं फिजाई मेजबान हूँ और 30,000 फुट की बुलंदी पर उन लोगों की मेजबानी करती हूँ जिन्हें अंगूरी शरबत पता है ना क्या होता है, वो 60,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा देता है। ओह, तो मैं ना एक्ट्रेस होना चाहिए जिस तरह के तुम्हारे जुमले हैं ना। चलो देखते हैं अभी क्या करें, भूख लग गई है। चलो फिर, चल। हार जाती हूँ ना तो हमेशा यही करती हूँ। और खास तौर पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा मसला बनने लगा है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कल पानी की किल्लत हमें बुरी तरह मुतासिर करेगी। मुजाहरे में जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? फील तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन अपने जख्मों के हवाले से नहीं, उस माइंडसेट के हवाले से जो ऐसे वाकयात का बायस बनता है। मैंने आज एडिटोरियल नोट लिखा है पुलिस की ज्यादती पर। पुलिस की ज्यादती पे सिर्फ एडिटोरियल नोट? आपको तो पूरा एडिटोरियल रखना चाहिए उसके ऊपर। इसीलिए तो आपको याद किया है, मैंने आपका सोशल मीडिया वाला आर्टिकल पढ़ा है, बहुत कमाल लिखा है आपने, मगर बहुत बोल्ड था। इस बार आप हमारे लिए भी इसी इशू पर कॉलम लिखें, मगर हाथ जरा हल्का रखें। इस इशू पे मैं सिर्फ एक कॉलम नहीं लिख सकता, बहुत बड़ा इशू है, मैं बहुत सारे कॉलम्स लिखना चाहता हूँ। इस इशू को ठीक तरीके से उठाना चाहता हूँ, बहुत संगीन मसला है ये। आप सिर्फ लोगों को एजुकेट करें कि पानी कितना अहम है। डैम के ना बनने से पानी जखीरा नहीं हो पा रहा, और ये कि बेजा पानी जाया करना लोगों के लिए खुद कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आपको एहतियात करनी होगी, किसी इदारे या फर्द पर उंगली ना उठाएं। क्या मतलब? यानी मैं सच छुपा लूं? लेकिन फिर फैक्ट्स कैसे सामने आएंगे, ये मसला कैसे हल होगा इस तरह? प्लीज आप अपना कॉलम तो भेजें, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, चलें फिर कुछ लिख के आपको भेजता हूँ, मैं चलता हूँ। हरिफ साहब, कॉफी आ रही है? नो थैंक्स। अम्मा अम्मा कहाँ हैं?
मेरी जॉब का पहला दिन है, दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर देखो अपने आप को थकाना नहीं। अम्मा किसी फैक्ट्री में मजदूरी थोड़ी करने जा रही हूँ। किताबों का इदारा है, मजे से बैठ के पढ़ना लिखना है। नौकरी नौकरी होती है, अपनी मर्जी नहीं चलती। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बहुत अच्छा माहौल है। अब जब तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाएगा ना, तो इस नौकरी को खैरबाद कह देना। इतना अच्छा रिश्ता तुमने अपने हाथ से गंवा दिया। अच्छा ये बातें चलती रहेंगी, मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है। खुदाफिज़। खुदाफिज़, ख्याल रखना अपना। लड़की भी ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि इंतजामिया इस सूरत हाल से वाकिफ ना हो। लेकिन फिर भी ये मुजरिमाना खामोशी क्यों है? पानी का बहरान शिद्दत पकड़ता जा रहा है। सवाल ये है कि इस सिलसिले में हुकूमत और इंतजामिया क्या कर रहे हैं? अवाम तक पानी की फरहमी किसकी जिम्मेदारी? वैसे तो मैंने भी आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ कॉलम्स भी पढ़े हैं। काफी इनकलाबी सोच रखते हैं आप। बेबाक कलम है आपका। अपनी नज़म पेश करती हूँ। मैं कीट्स की बहती नदियाँ हूँ, शैले का झूमता बादल हूँ, जंगल में कूकती कोयल हूँ। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है, क्यों डरूंगा मैं उनसे? फर्ज करो किसी ने उसे कत्ल करने की कोशिश की हो, या फिर तुम ही इस हादसे की वजह हो, तो कौमी मुजरमों को बेनकाब करना ही आपका असल प्रोफेशन है। और इन सबूतों की मौजूदगी में आप अपने मेहमान अजीज की अच्छी तरह खातिर तवाज़ा कर सकती हैं। समझ रही है ना मेरी बात? मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है।